हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वार्टरली एनालिसिस टाटा मोटर्स लिमिटेड का, और उसके बाद जानेंगे क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये है न्यूज़ टाटा मोटर्स के Q1 के रिजल्ट्स का। टाटा मोटर्स नेट प्रॉफिट इन द जून क्वार्टर इज 3203 करोड़। द कंपनी लॉस्ट ₹5,006.60 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। यानी कि टाटा मोटर्स का फिलहाल जून के क्वार्टर का नेट प्रॉफिट लगभग 3203 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि पिछले साल 5,006 करोड़ रुपीज़ का लगभग टाटा मोटर्स की कंपनी ने नुकसान झेला था। द मेन रीज़न फॉर द कंपनीज प्रॉफिट इज द इंक्रीज इन मार्जिन्स ऑफ द पैसेंजर व्हीकल बिजनेस एंड द ट्रिमेंडस सेल्स ऑफ इट्स लग्जरी कार यूनिट जैगवार लैंड रोवर, यानी कि JLR। ड्यूरिंग दिस टाइम टाटा मोटर्स रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाई 42% ऑन ईयर बेसिस। यानी कि टाटा मोटर्स का रेवेन्यू में भी एक अच्छी खासी उछाल, जो कि है 42% की, हमने नज़र की है Q1 के रिजल्ट्स के अंदर। द कंपनीज रेवेन्यू इन द जून क्वार्टर स्टूड एट ₹1.02 लाख करोड़। यानी कि जून क्वार्टर के अंदर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1.02 लाख करोड़ का था। द कंपनीज रेवेन्यू इन द जून क्वार्टर लास्ट ईयर वॉज ₹71,934.66 करोड़। यानी कि यहाँ पर भी हमने एक अच्छी खासी उछाल नज़र की है। टाटा मोटर्स रिजल्ट्स हैव कम आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्लोज ऑन 25 जुलाई। प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, टाटा मोटर्स रिपोर्टेड दैट इट्स ग्लोबल होलसेल फिगर्स जैगवार एंड लैंड रोवर इंक्लूडिंग इंक्रीज बाई 5% ऑन एन एनुअल बेसिस एंड द सेल्स इन द रेलिवेंट पीरियड द फिगर वॉज 322,159 यूनिट्स। ड्यूरिंग दिस टाइम पैसेंजर व्हीकल सेल्स इंक्रीज बाई 8% टू 1,40,450 यूनिट्स। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे टाटा मोटर्स के आने वाले टारगेट्स। तो दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया, टाटा मोटर्स लिमिटेड के एक अच्छे खासे Q1 के रिजल्ट्स स्टॉक में हमें आगे तेज़ी बनते नज़र कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस लगभग ₹640 के आसपास दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, स्टॉक के लिए अब ₹640 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम मान सकते हैं, जहां से स्टॉक एक अच्छा खासा उछाल दर्शा सकता है और लगभग ₹650 तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है टाटा मोटर्स लिमिटेड का स्टॉक। दोस्तों, 650 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट अपर साइड ₹660 का होगा। और दोस्तों, अगर ₹660 तक भी स्टॉक आगे बढ़ता हमें नज़र आए तो दोस्तों 660 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक अच्छा खासा बढ़ेगा और लगभग ₹675 तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर हम एक अच्छा खासा उछाल नज़र कर सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस टाटा मोटर्स लिमिटेड का। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।